हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर पूजा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड 2 इंच का मार्जिन देंगे इलास्टिक डालने के लिए। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कमर की नाप लगाएंगे। हिप की नाप से ही हम कमर की नाप लगाएंगे। हिप की नाप का 4th पार्ट कर लेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम आसन की नाप लगाएंगे 11.5 इंच पर। यहाँ से भी हम 10 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इन दोनों मार्कों को हम इस तरह से मिला देंगे। 1.5 इंच से हम आसन की गुलाई देंगे। गुलाई हम 2.5 इंच तक ही देंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ से सीधे नाप लेंगे और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब हम पैंट की लंबाई की नाप लगाएंगे। जितनी हमें रेडी लेंथ चाहिए उतने पर हम मार्क कर लेंगे। पैंट की रेडी लेंथ है 35 इंच। अब हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे नीचे साइड फोल्ड करने के लिए। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम नाप लेंगे 12.5 इंच है, तो हम यहाँ पर भी नाप लेंगे 12.5 इंच और सेंटर से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम मोहरी की नाप लगाएंगे 7 इंच पर, तो इस तरह से हम 3.5 इंच पर रख लेंगे। 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर इस तरह से मार्क कर लेंगे। स्केल से हम इस तरह से दोनों मार्कों को मिला देंगे। इधर साइड भी हम मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम पैंट की कटिंग कर लेंगे। जो बंद साइड है इसको भी हम ओपन कर देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन दे देंगे ऊपर साइड। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी लाइन से हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम 2 इंच का मार्जिन यहाँ से ऐड करेंगे। अब हम सभी मार्कों को मिला देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। 1.5 इंच से हम बैक पार्ट में भी गुलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, जिस साइड हम आसन की नाप लगाएंगे उस साइड हम बैक पार्ट में 2 इंच बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से हम स्केल से इन सभी मार्कों को मिला देंगे। फ्रेंड्स, ऊपर की साइड हमने जो 2 इंच छोड़ा था यहाँ पर हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इधर साइड हम बराबर से कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी हम ओपन कर देंगे इधर साइड से। फ्रेंड्स, अब हम जेब की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जेब की कटिंग करने के लिए मैंने ये 2 टुकड़े लिए हैं। फैब्रिक स्टर नहीं था इसलिए मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आप एक ही टुकड़ा लीजिए और उसे बीच से फोल्ड कर लीजिए। जेब की लंबाई 13 इंच है। अब जेब की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक साइड हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब हम जेब की कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम 5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। फ्रेंड्स, स्टिचिंग करने में सबसे पहले हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में जेब लगाएंगे। इधर साइड हम जेब लगाएंगे। पहले हम ऊपर साइड से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम जेब को इस तरह से रख लेंगे। अच्छे से हमें बराबर से रख लेना है जेब को। ये जो हमने कट लगाए हैं यहीं से हमें स्टिचिंग करनी है। फ्रेंड्स, इसी शेप में हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए, हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। अब हम सिलाई के साइड साइड में कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर साइड। अब हम फिनिशिंग स्टिचिंग कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग कर देंगे। हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम जेब को पलट लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इधर साइड भी जेब लगा लेंगे अगर लगाना चाहते हैं तो। फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। जेब के पास हम नीचे वाले फैब्रिक से ही जॉइंट करेंगे बैक पार्ट को। इस तरह से अच्छे से रख लेंगे। मोहरी की नाप लगाएंगे 4 इंच पर। यहाँ पर हम मोहरी बनाएंगे, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हम टांगी लगा लेंगे। देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। देखिए जेब लग चुका है इस तरह से। अब हम मोहरी पर स्टिचिंग करेंगे। डबल राउंड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। अब हम फैब्रिक को घुमाएंगे। फैब्रिक को इस तरह से घुमाते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ स्टिचिंग कर ली है। अब हम डबल राउंड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों पार्टों को हम फोल्ड कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर भी स्टिचिंग कर देंगे। दोनों साइडों के फैब्रिक को हम मिलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लास्टिक अटैच करेंगे। लास्टिक को हम कमर से 4 इंच कम लेंगे और इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। पैंट बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।